कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, पर ना गलत समय मत पालना। मतलब आज ना बहुत भाइयों को ना बुरा लगने वाला है कि इस बाइक में ना बहुत ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए भाई, कुछ दिन बाद बाद ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये वो। घुमाया क्लच छोड़ा, बाइक आगे नहीं जा रहा, ये देखो पूरा छोड़ना पड़ता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा। मतलब जब से खरीदा हूँ ना तब से ये बाइक का प्रॉब्लम आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, एक से बाद एक प्रॉब्लम आते ही जा रहा है। ये बाइक ना एक ही चीज के लिए बिक रहा है भाई, NS, और इसका लुक्स वही है भाई। ये ना एकदम वाहियात बाइक है भाई, एकदम ही वाहियात बाइक है। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, पर ना गलत समय मत पालना। मतलब ये बाइक आपका 200 या 160 की जैसा है, 160 भी बहुत अच्छा बाइक है, 200 भी बहुत अच्छा बाइक है, पर भाई ये बाइक का एकदम ही काम नहीं। इसका इंजन पकड़ लीजिए, क्लच पकड़ लीजिए भाई, एकदम ही बेकार है। बहुत भाइयों को ना सुन के बहुत ज़्यादा खराब लग सकता है, पर भाई यही सच बात है, यही फैक्ट है। और जो जो ये बाइक खरीद के रखा है ना, उन लोग को पता होगा भाई ये बाइक में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। खरीदने के बाद से ना ये बाइक का 3 बार क्लच केबल चेंज हो चुका है, 1 बार टूट चुका था और भाई 2 बार खराब हो चुका था। मतलब कैसे हुआ क्या हुआ पता नहीं भाई। मतलब आप लोग जैसे भी चलाए ना, मतलब 10,000 में 3 बार क्लच केबल चेंज होता है क्या भाई? हर कोई सोचता है NS है भाई, अच्छा तो हो गई, पर ऐसा बात नहीं है। मतलब हर चमकता हुआ चीज ना सोना नहीं होता, ये बाइक ने ना वो प्रूफ कर दिया है। वैसे तो ना लुक्स वाइज ये बाइक बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, पर भाई लुक्स ना मतलब एक टाइम तक ही अच्छा लगता है अगर बाइक अच्छा हो तो। अगर बाइक ऐसा प्रॉब्लम देता है भाई किसको अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा बात कर लिया, एक बार चला के भी देखते हैं भाई, चलाने से आप लोग भी पता चल जाएगा ये बाइक कैसा है। चलिए बिना कुछ देरी के मिलते हैं GoPro में। तो चलो निकल चुके हैं रास्ते में, और भाई ये बाइक कभी कभी चला के लगता है ना मतलब स्प्लेंडर और ग्लैमर में इससे ज्यादा बिका हुआ। ये देखिए पूरा खींच दिया भाई, बाइक खींचता ही नहीं है, बाइक खींचता नहीं, एकदम ही नहीं खींचता है। लोग सोचता है ना ये 125 होगा, इसमें ना बहुत ज़्यादा माइलेज देता है भाई। अगर आप लोग ने मेरा माइलेज वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई बटन में उसका वीडियो आ रहा होगा, वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोग को ना माइलेज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा भाई। NS 160 इससे बहुत ज़्यादा माइलेज देता है। एक चीज़ तो है, एक बाइक में ना सब कुछ खराब नहीं होता है, कुछ कुछ अच्छा भी होता है। ये बाइक का सबसे अच्छा चीज़ है इसका लुक्स, जो भाई दिख तो 200 और 160 की तरह है भाई। यही देख के ना लोग ना मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचता है ना 200 160 की तरह लुक्स है, उसका परफॉर्मेंस भी वैसा होगा भाई, एकदम नहीं, एकदम नहीं। इसका प्राइस भी मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपका 160 से, मतलब 15-20 हज़ार का डिफरेंस है। तो भाई आप लोग 15-20 हज़ार ज़्यादा देखे ना, आप लोग अगर हो सकते तो NS 160 लीजिए। इस बाइक का ना हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर भाई वहीं पे ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा है, एकदम वाहियात ब्रेकिंग है इसका। सामने का ब्रेक फिर भी ठीक है, पर पीछे का ना ड्रम ब्रेक है भाई। ये देखो मैं ब्रेक मार रहा हूँ पर ब्रेक ना रुकता नहीं है बाइक, एकदम इसका स्टॉपिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं। पर सामने का ब्रेक थोड़ा ठीक है भाई, पीछे का ब्रेक एकदम ही काम नहीं है। भाई ने ये बाइक खरीदा था, भाई को मैंने बार बार बोला था भाई कुछ पैसा मिला के तू NS 160 ले ले, ये बाइक मत ले। पर उसने बोला भैया मेरे पास अभी पैसा कम है, इसलिए मैं NS 120 लूँगा और इसमें माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा। तो माइलेज तो भाई भूल ही जाए, इसमें मतलब 40 का माइलेज है और NS 160 में 50 का माइलेज है भाई। मैं बता ही दे, आप लोग वीडियो भी देख लीजिएगा, मेरे चैनल में है वो वीडियो माइलेज टेस्ट का। बजाज का एक चीज़ है, बजाज ना कुछ दिन से बाइक अपना ना बहुत ज़्यादा स्मूथ बना रहा है। ये बाइक भी भाई जैसा भी हो पर ना बाइक है बढ़िया, बाइक स्मूथ तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो भाई अभी ना गियर मिस हो गया, मतलब क्या हो रहा है भाई ये बाइक का, मतलब ये बाइक बजाज ने बनाया क्यों भाई, बनाया क्यों ये बाइक। और आप लोग मत सोचिएगा कि NS 200 की तरह इसमें 6 गियर रहता है, इसमें 5 ही गियर रहता है, और NS 160 में भी ना 5 ही गियर रहता है। पर भाई ये बाइक चला के ना मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई, एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। ये देखो पूरा खींच दिया, बाइक आगे नहीं जा रहे भाई, आगे नहीं जा रहे बाइक। पर एक चीज़ अच्छा है कि इसका हैंडलिंग अच्छा है। ये देखो भाई बढ़िया कॉर्नर हो रहा है, बहुत बढ़िया कॉर्नर होता है ना। ऐसे बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ अच्छा है एक चीज़ बुरा है। जैसे इसका ना मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, और भाई 120 cc का बाइक में ना मेंटेनेंस कॉस्ट कम ही होता है, पर इस बाइक में ना बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए भाई, कुछ दिन बाद बाद ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये वो। खरीदने के बाद ही ना इसका एक बार स्पार्क प्लग खराब हो चुका था भाई, नया बाइक में स्पार्क प्लग खराब कैसे होता है मुझे तो वही समझ में नहीं आया। इसका ना गियर दिया देखो भाई कैसे होता है, लॉक हो जाता है गियर, खींच रहा हूँ गियर नहीं जा रहे भाई, गियर लॉक हो जाता है। ये देखो बार बार कर रहा हूँ पर गियर नहीं लग रहा है।
मतलब इसमें गियर का प्रॉब्लम है, ये देखो क्लच देखो, और हैंडल घुमाने से ना क्लच लॉक हो जाता है, वो भी मैं एक बार आप लोग को डेमो दिखा दूंगा। आप लोग के पास अगर पैसा थोड़ा कम है भाई, आप लोग कुछ भी बाइक ले लीजिए, पर NS 100 है भाई प्लीज़ मत लीजिए प्लीज़, नहीं तो आप लोग सफ़र करेंगे और मेरा वीडियो के बारे में आप लोग को याद आएगा। दिव्यश भाई ने बोला था कि NS 100 ऐसा है, पर आजकल ना नया NS 100 निकला है, वो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, वो है कैसे मुझे तो पता नहीं। और ये आपका BS2 Phase 1 है, ये Phase 2 नहीं है भाई। बाइक ना हैंडलिंग बहुत अच्छा है इसका, मतलब बाइक बहुत बढ़िया से लीन हो जाता है। आज ना बहुत भाइयों को ना बुरा लगने वाला है, क्योंकि बहुत भाइयों को ना ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद था, पर भाई मैंने जो बोला वो सच बोला, ये बाइक ऐसा ही है। आप लोग अगर बिलीव नहीं करते तो एक बार शोरूम में जाइए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए दिव्यश भाई आपने गलत बताया कि सही बताया था। तो यहाँ पर रुक के आप लोग को एक बार मैं डेमो दिखा देता हूँ कि डेमो जो है ना, ये देखो भाई घुमाया, क्लच छोड़ा, बाइक आगे नहीं जा रहा, ये देखो पूरा छोड़ना पड़ता है। ये देखो बाइक का हालत देखो ये कैसा है। अभी एक बार घुमाने के बाद ये देखो बाइक आगे नहीं जा रहा है भाई, ये देखो क्लच क्लच का नोटिस करना, ये देखो क्लच सीधा छूत रहा है, ये देखो बाइक बढ़िया चल रहा है। मतलब इसका क्लच का प्रॉब्लम ना खरीदने के बाद से क्लच का प्रॉब्लम है भाई। इतना सब बताने के बाद भी आप लोग अगर पंगा लेना है तो भाई आप लोग ले सकते हैं, पर भाई ये बाइक लगभग 1,35,000 का आता है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग ये पंगा लीजिए। आप लोग TVS राइडर ले सकते हैं, या भाई कुछ पैसा ज़्यादा मिला के ना N160 या NS160 ले लीजिए। भाई को चुल मचाए, उसको समझाओ क्या, नहीं जाने देता हूँ भाई, ये भाई खींचता ही नहीं है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ बजाज ने ये भाई क्या सोच के बनाया है भाई। मतलब ये 120 के पीछे जो NS लगता है ना, इसका मतलब क्या है बताइए तो। आप लोग बोलेंगे नेकेड स्पोर्ट, नहीं भाई इसका मतलब है नंगा स्पोर्ट क्योंकि इसमें वो स्पोर्ट्स वाला कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला नंगा स्पोर्ट। सो बहुत सारा भाई ऑफेंड हो सकता है क्योंकि ना बहुत लोगों को 120 अच्छा लगता है। भाई मैं आप लोगों का फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करता हूँ, पर भाई जो सच है वो सच है। एक चीज़ ये बाइक में बहुत ज़्यादा अच्छा है कि बजाज का भाई को कहे ना, इस बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, एकदम ही वाइब्रेशन नहीं है। ये इस बाइक का सबसे बड़ा USP हो सकता है, और जो USP वो तो इसका लुक्स है भाई। लोग सोचता है दूर से 200 आ रहा है, पर भाई ये 200 नहीं है, 120 है। आप लोग एक बार XL घुमा के देखिए, बाइक आगे ही नहीं जाता है, एकदम मस्त बवंदर चीज़ है ये। और आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये बाइक में ना मिरर नहीं है, हम लोग का भाई तेरा शौकीन आदमी भाई मिरर नहीं लगाता है। मुझे पता नहीं आजकल का लौंदा लोग मिरर क्यों नहीं लगाते भाई, मिरर एक बहुत बड़ा सेफ्टी इक्विपमेंट है, भाई लोग मिरर नहीं लगाता है, लगाना चाहिए। मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है, वो रुक के दिखाना पड़ेगा, पहले रुक लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। पहले आप लोग इस बाइक का एक बार टायर देख लीजिए भाई, कितना पतला टायर है भाई, जो स्प्लेंडर में आता है वही टायर है शायद। फिर सामने का टायर भी पतला है, ये 90 सेक्शन का टायर है भाई, फोक्स भी पतला है, मतलब सब कुछ पतला है। और इसमें ना आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। ना पैसा जब ले ही रहा था तो भाई पीछे दिक्स दे देता, मतलब पीछे का ब्रेकिंग एकदम ही अच्छा नहीं, सामने का भाई अच्छा है पर पीछे का एकदम ही अच्छा नहीं है। सो इस वीडियो में मैंने इस बाइक के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला बोल दिया भाई, लोग ऑफेंड मत होइएगा भाई, जो सच है मैंने वही बताया है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ और जय श्री राम।